अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो भी वेक्टर्स या फोटोज अपलोड करते हैं उनकी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। बहुत से फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि हमें कैटेगरीज का पता नहीं चलता कि किस तरह कैटेगरीज को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ये कुछ वेक्टर्स अपलोड किए हैं, तकरीबन 10, ये 10 हैं, तो इनको मैं अपलोड करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कैटेगरीज किस तरह सिलेक्ट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं नेक्स्ट फाइवर के बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप फाइवर से किस तरह अर्निंग कर सकते हो, और गिव अवे भी आने वाला है 1K पे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पे ये पैडलॉक मैंने सिलेक्ट किया है, तो ये मैंने इसका टाइटल लिख लिया है। उसके बाद आती है बारी कैटेगरी की। कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए अब हमारे पास ये है वेक्टर है और ये एक आइकन है, तो हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक है ऑप्शन, कैटेगरी है साइंस एंड सैम्पल। तो जो कि ये एक साइन ही है और सैम्पल है, हम यूज करते हैं लॉग के लिए, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। और सेकेंड कैटेगरी के अंदर हम इसे एब्स्ट्रैक्ट सिलेक्ट करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ होती है जो कि ड्रॉ की जाती है या बनाई जाती है, जो कि रियल में नहीं होती है, क्योंकि अब ये जो है ये लॉग का आइकन है जो ड्रॉ किया गया, ना कि रियल लॉग की पिक्चर है। तो इस तरह इसकी हमने सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद टैग्स वगैरह आपको लगाने आते होंगे, यहाँ से ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फाइंड मोर कीवर्ड्स का भी ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन जो है आपको मोबाइल की ऐप के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर गूगल क्रोम मोबाइल पे ओपन करते हो और वहाँ पे डेस्कटॉप साइट करते हो तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आपको 3 आइकन सिलेक्ट करने होते हैं या 3 रिलेटेड इमेजेस, और उस तरह की आपको यहाँ पे कीवर्ड सजेशन मिल जाती है। मैं जल्दी से ये कीवर्ड्स ऐड कर लेता हूँ। तो ये वाला आइकन मैंने इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करके सबमिट कर दिया है। तो अब ये नेक्स्ट वाले आइकन की हम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये एक वेक्टर है और इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है गुड वाइब्स। ये मोस्टली टी शर्ट डिजाइन और इस तरह के लिए यूज हो सकता है, तो यहाँ पे इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अब हम इसकी कैटेगरीज में जाते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हम जाके इसको हॉलीडेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये हॉलीडेज में अगर कोई शर्ट पे प्रिंट करेगा तो वो हॉलीडेज में ये पहना जा सकता है गुड वाइब्स में, या वैसे भी ये किसी भी प्रिंट कार्ड के लिए प्रिंट किया जा सकता है। और यहाँ पे ये सेकंड कैटेगरी हम इसकी आर्ट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी हम इसकी ये विंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। विंटेज होता है जो चीज़ यूनिक हो, कुछ चीज़ ऐसी, तो उसके लिए विंटेज करते हैं। और जो ओल्ड चीज़ें होती थी वो ज़्यादा यूनिक होती थी, उसके लिए भी, जैसे कोई पुरानी कार की अगर पिक्चर आपने ली है तो उसमें आप यूनिक सिलेक्ट वो ये विंटेज सिलेक्ट कर सकते हो। ये कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह कीवर्ड्स अपलोड करने हैं और आपने सबमिट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये एक नेक्स्ट डिज़ाइन है, ये जिम के रिलेटेड। तो यहाँ पे इसकी कैटेगरीज हम जाएंगे तो यहाँ पे हम अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे ये एक कैटेगरी नज़र आ रही है, हेल्थ केयर एंड मेडिकल। तो ये हेल्थ केयर के रिलेटेड है तो हम ये वाली सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी मेडिकल की चीज़ होगी तो भी हम यही सिलेक्ट करेंगे, जैसे पिल्स वगैरह या कोई इंजेक्शन वगैरह की पिक्चर है तो। और सेकेंड कैटेगरी वैसे ऑप्शनल होती है और उसमें हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं साइंस एंड सैम्पल्स। यहाँ पे ये एक बटरफ्लाई की इलस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे इसकी कैटेगरीज हम सिलेक्ट करेंगे आर्ट्स, और सेकंड कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे पार्क्स एंड आउटडोर्स। आउटडोर्स में जो लैंडस्केप होती हैं वो आ जाती हैं, या जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो भी आ जाती हैं। और यहाँ पे इसके लिए हम ये नेचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये हार्ट्स के आइकन है तो इसके लिए हम साइंस एंड सैम्पल सिलेक्ट करेंगे एक, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। और इसी तरह ये कॉफ़ी का डिज़ाइन है तो इसमें हम फूड सिलेक्ट करेंगे एक, और दूसरा हम हॉलीडे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये जो है रियल एस्टेट के रिलेटेड है तो इसमें हम बिजनेस सिलेक्ट करेंगे, और फाइनेंस सिलेक्ट करेंगे, और दूसरा साइंस एंड सैम्पल सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह आप अपनी फोटोज या इलस्ट्रेशंस को देख के उनके हिसाब से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।